Hi guys, so now that we are done with CSS, we'll start JavaScript. So just to motivate you, I'll tell you something. So if you will become a JavaScript developer, in fact, if you are a student और अगर आपने JavaScript सही से पढ़ लिया ना, I can guarantee कि आप घर पे नहीं बैठोगे, आपका सैलरी खराब नहीं होगा, आप हमेशा अच्छे इनकम पे काम करोगे. इट्स सच अ पावरफुल लैंग्वेज. ठीक है, क्या होता है JavaScript? इट्स अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हमेशा यूज़र के कंप्यूटर पे रन करता है, ब्राउज़र के अंदर. द बेस्ट पार्ट अबाउट JavaScript इज कि JavaScript जब से आया, उसने इंटरनेट पे वेबसाइट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया. बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि पहले जितना भी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होता था, वो सब का सब सर्वर पे होता था. मतलब अगर आपको ये भी चेक करना है ना कि यूज़र ने जो पासवर्ड डाला है वो 6 कैरेक्टर्स का है कि नहीं, ये भी चेक करने के लिए आपको एक बार पेज रीलोड करके सर्वर से इंफॉर्मेशन लेके आना पड़ता था. और इसी का सॉल्यूशन जावास्क्रिप्ट लेके आया कि इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए या क्लाइंट के कंप्यूटर पे कभी भी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए सर्वर पे जाने का ज़रूरत नहीं है, हम ये काम क्लाइंट के ब्राउज़र में कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पावरफुल लैंग्वेज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट. एंड द बेस्ट पार्ट राइट नाउ इज कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करके आप बैकएंड का भी कोड लिख सकते हो, नोड जेएस, राइट? तो अगर आप चाहो तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर लो तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो. सो ट्रस्ट मी गाइस, मैंने शायद ये भी पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज और कॉल्ड एज द फ्यूचर ऑफ वेब. ठीक है, तो ट्रस्ट मी, इस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली लो और इसको ऐसे पढ़ो जैसे कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो अगेन इट विल बी अ बिग टॉपिक, लाइक यहाँ पे हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, राइट? दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड ओवर हियर आई जस्ट शो यू कि आप कितने अलग अलग तरीके से अपने HTML पेज में जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर सकते हो. दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू. फिर ग्रेजुअली हम लोग जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बिकॉज इट्स अ फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज अनलाइक HTML एंड CSS. और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डॉम मैनिपुलेशन सीखेंगे कि कैसे आप कुछ इवेंट्स के थ्रू चीज़ों को चेंज कर सकते हो अपने वेब पेज में. ठीक है, और उसके बाद हम OOP सीखेंगे एंड देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू डू. ओके, और जब हम ये कर लेंगे फिर इवेंचुअली विल मूव ऑन टू रिएक्ट, ओके, विच इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद द जावास्क्रिप्ट कोर्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू ओवर हियर इज वेरी सिंपल, विल जस्ट ऐड सम जावास्क्रिप्ट टू अ पेज. ओके, सो जावास्क्रिप्ट ऐड करने के दो तरीके होते हैं. फर्स्ट होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट को अपने पेज के अंदर यूज करते हो, एज इन HTML पेज के अंदर यूज करते हो. एंड द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप जावास्क्रिप्ट को एक एक्सटर्नल फाइल में रख करके अपने पेज में इंक्लूड करते हो. ठीक है, दोनों तरीकों का अपना अपना यूज है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करो, बिकॉज अगर आपका जावास्क्रिप्ट बहुत हैवी है तो अगर आप उसको पेज के अंदर डालोगे ना तो पेज का साइज बड़ा हो जाता है और लोड होने में टाइम लगता है. तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप हमेशा एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट को लोड करो, बट आई विल टीच यू बोथ द टेक्निक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज जावास्क्रिप्ट बोल के आप स्क्रिप्ट बोल के एक टैग स्टार्ट कर सकते हो लाइक दिस, और यू वुड सी ऑटोमेटिकली एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया कि टाइप है text/javascript. और इसके अंदर जा करके फॉर नाउ आई एम जस्ट प्रिंटिंग आउट अलर्ट. अलर्ट इज दिस आउटपुट मैकेनिज्म जिससे आप आउटपुट देख सकते हो, और मैंने सिर्फ लिख दिया हेलो वर्ल्ड. ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड जहाँ पे आप बस, इट्स लाइक द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो अलर्ट विल एक्चुअली पॉप अप अ विंडो जिसपे हेलो वर्ल्ड लिखा होगा. ठीक है, सो लेट मी शो इट टू यू. राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर. Yeah, that's it guys, this is the code. Okay, और जैसे आप इसको ओके कर दोगे इट विल डिसअपियर, राइट? सो दिस इज अ सिंपल वे यूजिंग विच यू कैन इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन योर HTML फाइल. द सेकेंड वे इज एक्चुअली सिंपल ऑल्सो. ओके, सो वॉट वी विल डू इज आई विल रिमूव द स्क्रिप्ट एंड वॉट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर. जनरली आप यही करते हो, आप अपने रूट डायरेक्टरी में एक JS बोल के फोल्डर बना देते हो और अपनी सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को उस फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हो. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज आप अपने JS फोल्डर पर राइट क्लिक करोगे और जनरली आपकी वेबसाइट का जो मेन जावास्क्रिप्ट फाइल होता है उसको आप सेव करते हो एज app.js जनरली. ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है गाइज, यहाँ पे आपको ये स्क्रिप्ट टैग्स ऐड नहीं करनी बिकॉज सबको पता है जावास्क्रिप्ट है, राइट? आप बस क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे अलर्ट हेलो, दैट्स इट, दिस इज द कोड गाइज. अब बस हमें एक काम करना है
कि आपको जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे लिंक करना है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, अनलाइक सी एस एस जो आप टॉप ऑफ द पेज लिंक करते हो, जावा स्क्रिप्ट को हमेशा पेज के लास्ट में लिंक किया जाता है, बॉडी टैग खत्म होने के जस्ट पहले। क्यों करते हैं ऐसा? सो दैट एच टी एम एल और सी एस एस पहले लोड हो जाए और फिर जावा स्क्रिप्ट लोड हो, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जनरली इवेंट ड्रिवन होता है, मतलब यूजर कुछ करेगा तो कुछ होगा, राइट। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले पेज लोड हो जाए। अगर आप ऊपर कर दोगे ना तो पेज को लोड होने में टाइम लगेगा और यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। सो जस्ट मेक इट अ हैबिट कि आप हमेशा उसको लास्ट में ऐड करो, लाइक दिस स्क्रिप्ट, और यहाँ पे यू कैन पुट अ एस आर सी टैग एज इन सोर्स, जैसे इमेज टैग में होता है, और यहाँ पे आप लिखोगे js/app.js एंड दैट्स इट गाइस। सो अगर मैं इस पेज को वापस जाऊँ और रीलोड करूँ, यू विल सी द सेम आउटपुट, ओके। एंड दैट इज हाउ यू एड जावास्क्रिप्ट टू योर पेज, ठीक है। सो इस कोर्स में मैं इंटरनली यूज करूंगा, बट अगेन इट्स रिकमेंडेड कि आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करो, ठीक है। तो आई होप ये पूरा चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कंसोल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट, ओके। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।